हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज कर रहे हैं 3D। यहाँ जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये 3D एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें करना है एक्सपेंडिंग किसको। ये जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया, मतलब जो ये दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स टाइप में, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, लेकिन उसकी पावर 2 है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा, इस पॉलिनोमियल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की पावर 2 आपको मिली हुई है, तो उसको एक्सपेंड कैसे करना है। तो सिंपल ए प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा। देखो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाली चीजें। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। अभी इस वीडियो में हम डू अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें करना है ए प्लस 2b प्लस 5c। और एक ना शॉर्टकट मत करना, शॉर्टकट करने से गलतियां ज्यादा होती है। ठीक है, तो बिकॉज फार्मूला क्या है इसका, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वेयर है। अभी इससे पहले जो करते आए हो, ए प्लस बी का स्क्वेयर टाइप में करते रहे हो, मतलब एक बाइनोमियल की पावर 2, अभी ये ट्राइनोमियल की पावर 2 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 का मतलब है पहले वाले की पावर 2 प्लस में दूसरे वाले की पावर 2 प्लस में तीसरे वाले की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में पहले वाला मल्टीप्लाई दूसरे वाला प्लस में 2 दूसरे वाला मल्टीप्लाई में तीसरे वाला, और प्लस में 2 तीसरे वाला मल्टीप्लाई में पहले वाला। समझ में आया आपको, पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये है, तीसरे वाला ये है। तो ये आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर आपको क्या मिलता है, वैल्यू मिलेगी, पहले पहला ये है तो इसकी पावर 2 आएगी, दूसरा ये है प्लस में 2b की पावर 2, तो सीधा सीधा आप 4b स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भी थोड़ा सा आराम से ध्यान से कर लो। 5c तीसरा है, ये थर्ड वाला 5c की पावर 2 प्लस में, अब आपको लिखना है 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट जो है वो ये है ए इंटू में सेकेंड, जो कि ये है 2b। ठीक है, अब 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड आपको लिखना होगा, तो 2 इंटू सेकेंड, सेकेंड जो है 2b है, इंटू में थर्ड, थर्ड जो कि 5c है। अब प्लस में 2 इंटू थर्ड इंटू में फर्स्ट, 2 इंटू में थर्ड, थर्ड जो है 5c है, इंटू में फर्स्ट, फर्स्ट जो कि a है। ठीक है, तो ये जो तीन मतलब कितनी होगी, 6 टर्में मिली आपको, पहले वाले की पावर 2 प्लस में दूसरे वाले की पावर 2 प्लस में तीसरे वाले की पावर 2 प्लस में 2 इन 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला प्लस में 2 इंटू दूसरे वाला इंटू में तीसरे वाला प्लस 2 इंटू तीसरे वाला इंटू में पहले वाला। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो फार्मूला जो है वो ये वाला है, वो आइडेंटिटी ये वाली है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके लिखते हैं कि क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए स्क्वेयर 2b की पावर 2, तो 2 की भी पावर 2 होगी, याद रहे 2 की पावर 2 बच्चे नहीं लिखते, जो कि गलत है। 2 की भी पावर 2 होगी, b की भी पावर 2 होगी, 2 की पावर जो 2 है वो होगी 4, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4। ठीक है, ओके, अब b की पावर 2 तो 4b स्क्वेयर हो गया, 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, बच्चे 10 भी लिखते हैं इसको, गलत है ये। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, 5 इंटू 5 10 नहीं होगा, 5 इंटू 5 जो है 25 होगा, तो मैंने यहां लिखा 25c2। 2 इंटू 2 4, और a इंटू ए बी, तो 4ab हो गया ये, राइट। और यहां से आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 5 20, b मल्टीप्लाई सी बी सी प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 10, पहले जो नंबर पार्ट है वो, फिर लिटरल पार्ट सी इंटू ए, मतलब कोई वेरिएबल टाइप में दे रखा था। तो ये जो है आपका आंसर होगा, आपको समझ में आया, गुड।
तो इसलिए ध्यान से इस तरीके के सॉल्यूशन को कीजिए। अभी तो ये सारे प्लस के थे, अब ये माइनस वाले भी आएंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन फार्मूला हम यही इस्तेमाल करेंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना अगर आपको ये वाला जो पार्ट आगे का समझना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है वही जो मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको अब आपने करना है कि वीडियो को लाइक आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, आपने करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं, आपने करना है शेयर अपने दोस्तों को ताकि उनको भी फायदा हो सके, और आपने बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और ऑल पे क्लिक करना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।